गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम में समय, यहाँ अपन टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम कैसे देखा जाता है वॉच में। अभी तो अपन वॉच में देख के बता देते हैं भाई ये टाइम हो गया, लेकिन जब पुराने टाइम में वॉच का आविष्कार नहीं हुआ, इन्वेंट नहीं हुआ था, वॉच नहीं थी जब अपने पास पुराने टाइम में, तो पीपल होते थे वो सन को देख कर टाइम का गैस करते थे भाई क्या टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है या आफ्टरनून का टाइम है, यह सब चीज़ देख के, सन को देख के गैस करते थे पुराने टाइम में। अभी तो अपने पास वॉच है, वॉच को देख के अपन बता देते हैं और सन का भी थोड़ा अपन को गैस करके बता देते हैं। तो जब अपने पास पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प अस टू नाउ विच पार्ट ऑफ द डे इट इज, अपन सन की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा डे है, नाइट है या इवनिंग है, मॉर्निंग है, नून है, ये अपन इजी वे में देख के बता सकते हैं। वेन द सन इज सीन इन द स्काई इट इज डे, वेन द सन इज सीन इन द स्काई इट इज डे, वेन द सन इज नॉट सीन इन द स्काई इट इज नाइट। जब सन अपन को नहीं दिखता है स्काई में तो अपने पास दिन का गैस करते हैं अपन, और सॉरी जब सन दिखता है अपन को स्काई में तब अपन दिन होता है, और जब सन नहीं होता है स्काई में तो नाइट होती है। तो द डे हैज डिफरेंट पार्ट, डे है अपने पास डिफरेंट पार्ट रखता है। When the sun is not seen in the sky, it is night. The day has different parts: morning, noon, evening, night. अब morning कब होती है? When the sun rises.
इट इज मॉर्निंग। जब सूर्य राइज होता है ईस्ट में तब अपने पास मॉर्निंग होगी। व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबोव द हेड इट इज नून। व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबोव द हेड, जब सन अपने पास सिर के ऊपर होता है, हेड के ऊपर होता है अपने पास जस्ट, तो नून होती है। व्हेन द सन सेट्स इट इज इवनिंग। जब सन सेट्स होता है वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में, तब अपने पास इवनिंग का टाइम होता है। व्हेन द सन इज नॉट सीन इन द स्काई एंड इट बिकम्स डार्क, जब सन अपन को दिखाई नहीं देता स्काई में तो अपने पास अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, तो ये अपने पास नाइट। इस तरह से अपने पास जो सन है वो अपनी हेल्प करता है कि कौन सा टाइम है। तो द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प्स अस टू नाउ विच पार्ट ऑफ द डे इट इज। इस तरह से सन की पोजिशन अपनी हेल्प करती है कि दिन का कौन सा पार्ट है। तो एक्टिविटी आप देखिए 9.1 एक्टिविटी देखिए आपके। राजू हैज ड्रॉन टू पिक्चर्स। राजू ने ये टू पिक्चर्स ड्रॉ करी, एक वॉकिंग करते हुए और एक अपने ये डार्क अंधेरे में करी। यहाँ पर इसने स्टार्स भी बनाए लेकिन फर्स्ट पिक्चर में उसने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पर लाइट दी है। इसका मतलब यहाँ लाइट दी है तो सन है, सनलाइट है या प्रकाश। तो आपको इसमें देखिए ही फॉर राजू हैज ड्रॉन टू पिक्चर्स, ही फॉरगॉट टू ड्रॉ द सन एंड द मून, लुक एट द पिक्चर एंड ड्रॉ देम। ही फॉरगॉट टू ड्रॉ द सन, बस सन को ड्रा करना और मून को ड्रा करना भूल गया। लुक एट द पिक्चर एंड ड्रा, अपन को ये पिक्चर देखनी है और ये देखना है कि कौन सी पिक्चर में सन बनेगा और कौन सी पिक्चर में मून बनेगा। तो इस पिक्चर, जिस पिक्चर में सन बनेगा उस पिक्चर में तो अपने लाइट हो रही है, मतलब उजाला हो रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। परंतु जहाँ पर मून बनेगा वहाँ अपन को स्टार दिए हुए हैं सेकेंड पिक्चर में, तो वहाँ पर स्टार कब दिखाई देते हैं स्काई में अपन को, नाइट को, तो वहाँ पर मून बनेगा। ये पिक्चर सन और मून की आपको सेल्फी ड्रॉ करनी है। इसी तरह से एक्टिविटी 9.2 देखिए। व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, व्हाई। आपको ये करना है व्हाट इज फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। आपको डे का चार पार्ट्स बताना है, डे के मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। इन चारों पार्ट्स में से आपको कौन सा पार्ट्स डे का अच्छा लगता है और वो क्यों, इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सबको लिखना है। इसी तरह से एक्टिविटी 9.3 देखिए। वी डू नॉट गो टू स्कूल एट नाइट, why, share it with your teacher. We do not go to school at night. हम स्कूल आते हैं तो मॉर्निंग में आते हैं, अपन स्कूल नाइट को क्यों नहीं आता है इसका रीजन बताना है। तो नाइट में अपन सब, ज़्यादातर पीपल का है टाइम स्लीपिंग टाइम होता है, इसलिए अपन और स्कूल भी मॉर्निंग में ही ओपन होते हैं। तो इसके लिए अपन आपके अकॉर्डिंग जो भी जवाब आपको है आपके थिंकिंग लिखनी है आपको इसमें। नाइट, जैसे नाइट इज स्लीपिंग टाइम फॉर ऑल पीपल, स्कूल ओपन इन द मॉर्निंग। तो 9.2 और 9.3 एक्टिविटी आपको सेल्फ करनी है। अपने पास तीन एक्टिविटी हो गई। Activity 9.3.
व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। अब सब बच्चों को अलग अलग पार्ट पसंद आते हैं, किसी को इवनिंग पसंद आती है, किसी को नाइट, किसी को मॉर्निंग। किसी को मॉर्निंग पसंद आती है क्योंकि उसमें चिड़िया चहक रही होती है, बढ़िया अच्छा सुबह का मौसम सुहाना होता है। किसी को सर्दियों में नून पसंद आता है, सन आ जाता है। इवनिंग पसंद आती है बिकॉज वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, शाम का टाइम प्ले टाइम होता है इसलिए अपन पसंद करते हैं। इसलिए सबको अपनी अपनी थिंकिंग लिखनी। और एक्टिविटी 9.3 में व्हाट डू नॉट गो टू स्कूल एट नाइन, तो इसमें आप लिख सकते हो, राइट कर सकते हो आंसर। स्कूल ओपन्स इन द मॉर्निंग सो वी डू नॉट गो टू स्कूल एट नाइट, या नाइट इज स्लीपिंग टाइम फॉर ऑल पीपल। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको अपन को मॉर्निंग में ही करनी होती है, और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको अपन को नाइट या नून इनमें करनी होती है। जैसे अपन को ब्रेकफास्ट करना है, फॉर एग्जांपल वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अपन ब्रेकफास्ट तो नाइट को तो नहीं कर सकते, इवनिंग को भी नहीं कर सकते, ब्रेकफास्ट तो अपन को मॉर्निंग में ही करना होता है। तो कुछ एक्टिविटी होती है फिक्स जो अपन को मॉर्निंग में ही करनी होती है, कुछ नून में ही करनी होती है। इस तरह से दो एनिमल्स हैं अपने पास, आउस और बैर्स। आपने सुना होगा आउल और बैर्स, मतलब उल्लू और चमगादड़, इन दो, इसके लिए सुना होगा एनिमल्स आउस और बैर्स। ये दोनों रात को अपना वर्क करते हैं, इन ये दिन में अपने उससे नहीं निकलते हैं, घोंसले से पेड़ पे से नहीं निकलते हैं। ये आउल और बैट्स दोनों अपना वर्क नाइट को करते हैं, रात को ही अपने भोजन के लिए तलाश में निकलते हैं क्योंकि इनको दिन में दिखाई नहीं देता है, सनलाइट रहती है उस टाइम। इसलिए एक्टिविटी 9.4 ड्रा लाइन्स टू मैच द एक्टिविटीज विद द टाइम ऑफ द डे। अपन को ये पिक्चर्स दी हुई है और अपन को पार्ट ऑफ डे, दिन के पार्ट दिए हुए हैं, मॉर्निंग नाइट इवनिंग नून। तो इनसे अपन को ड्रॉ करके मैच करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है अपने पास, सन है, वहाँ पर सनसेट हो रहा है और बच्चे गार्डन में प्ले कर रहे हैं। तो अपन को यहाँ ये चीज़ देखनी है कि ये सनसेट कब होता है, इवनिंग है, और बच्चे गार्डन में खेलने जाते हैं अपने कॉलोनी या सोसाइटी के गार्डन में, तो शाम को टाइम इवनिंग के टाइम ही जाते हैं, तो उसको इवनिंग से मैच करना है। इसी तरह से सेकंड पिक्चर है अपने पास, थ्री चिल्ड्रंस टॉकिंग कर रहे हैं और वहाँ सन है, तो सन कहाँ पर है, अपने अबोदा हेड, अबोदा हेड अपने हेड के ऊपर है, सिर के ऊपर है, इसका मीन्स ये मून है। यहाँ देखिए सनराइज हो गया, बच्चे ने अपने वेकअप हो गए, बच्चा अपना बिस्तर छोड़ रहा है, उठना, सनराइज हो गया। खिड़की में देखिए, विंडो में, थर्ड पिक्चर में सन दिख रहा है उसको, इसका मीन्स मॉर्निंग हो गई। और यहाँ अपन को मून और स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, बच्चा रीड कर रहा है चेयर पे बैठ के फोर्थ पिक्चर में, तो इसका मींस ये अपने नाइट हो गई, इसको नाइट से मैच करना है। इस तरह से आपको होमवर्क करना है, एक्टिविटी